अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं तमाम लोग खैर खैरियत होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। भाई बारिशों के बाद जो है ना मैं आज निकला हूँ आपका भाई जो है वो व्लॉग बनाने के लिए, क्योंकि रोडों पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे पानी था, ट्रैफिक स्टक, ट्रेन बंद, गाड़ियाँ बसें सब कुछ। आज मैं जो है वो जा रहा हूँ भाई, यहाँ पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की एक चीज़ है, एक रिंग है जिसका वेट है 63 kg और उसके ऊपर डायमंड जो हैं वो भी लगे हुए हैं। तो आज हम उसको चल के जो है वो एक्सप्लोर करते हैं। देख वेलकम हो रहा है भाई आप लोगों का फूड का, क्या है इसमें? आइसक्रीम बिके ना बिके इंजॉय तो करना है, मज़ा तो करना है। वाह क्या बात है जी, ज़बरदस्त मज़ा आ गया। ज़रूरी नहीं है कि आइसक्रीम बिके, इंटरटेन जो है वो तो करना ही करना है। वाओ भंगड़ा आ गया बच्चे ने भाई, शहजादे एक्शन। तो यहाँ पे गेम है यार बिग विन, मैं आपको दिखाता हूँ दुबई में। ये एक छोटा सा बस काउंटर है, इसके ऊपर जो है ये पड़े हैं जी टोकन, और एक टोकन जो है ना ये हम देख लेते हैं ये एक टोकन कितने का है। ये मेरा एक टोकन है, इसको आपने यहाँ से करना है स्क्रैच, और स्क्रैच के बाद इसका जो इनाम है वो अगर दो नंबर मिलेंगे सेम तो दफ़ा लिखा होना चाहिए। हाँ जी, दस मिलेंगे। पाँच पाँच लिखा हुआ है तो दो दफ़ा लिखा होना चाहिए। कोई भी 100, 200, 500 कोई भी दो हो, दो सेम है। दो ये है तो इसका मैक्सिमम जो है वो प्राइस कितना है, मतलब 25,000। कितना? 25,000। 25,000 दिरहम। दिरहम सौदा महंगा नहीं है गाइस, 10 दिरहम में ये गेम खेलें और 25,000 दिरहम तक आप जीत सकते हैं 100। बारिश के बाद जो है ना मार्केटों की रौनक रौनक तो भाई हो गई है बहाल, पानी शानी सारे हो गए हैं खुशक। ये चिकन स्पाइसी है, वो चिकन नॉर्मल है, वो बीफ है, बड़ा गोश्त। दुबई का आपको पुलिस स्टेशन भी दिखा देते हैं, कौन सा मसला है भाई। ये है सामने हमारे जो है नाइफ पुलिस स्टेशन और गाड़ियाँ पुलिस की, भाई क्या पुराने पुराने मॉडल की गाड़ियाँ खड़ी की हुई हैं यहाँ पर। तो दुबई में भी जो है ना चिल करने का टाइम जो है ना वो शाम के बाद है भाई, यहाँ पे भी लोग जो है वो मोस्टली शाम के बाद ही मार्केट में निकलते हैं, ज़्यादातर परचेजिंग घूमना फिरना चिल माहौल वो इवनिंग में ही होती है भाई। 10-5 दिरहम में जो है वो चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पे, क्या क्या मिल रहा है 10 दिरहम, 5 दिरहम, 25 दिरहम में, ये भी विज़िट कर लेते हैं भाई। यहाँ पर 8 दिरहम में भी यहाँ पर चीज़ें मिल रही हैं, क्या बात है भाई, ज़बरदस्त हो गया। 8 दिरहम में आपको शर्टें मिल जाती हैं यहाँ पे, ट्रोज़र मिल जाते हैं यहाँ पे, पैंटें मिल जाती हैं यहाँ पे, और 10 दिरहम में आप यहाँ से भाई कर सकते हैं शॉपिंग। तो सामने मुझे यहाँ से जो है वो नज़र आ रहा है, वहाँ पे चल के आपको दिखाना है भाई वो 63 kg की रिंग। यार इमेजिन करें आप 63 kg गोल्ड की जो है रिंग, क्या मतलब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो जो है। तो वो मैं चल के आप लोगों को जो है वो दिखाता हूँ। मैं सामने आ गया हूँ गोल्ड सूख के, अभी थोड़ा ही फासले पे है, ज़्यादा दूर जो है वो नहीं है। तो फाइनली भाई मैं आ गया हूँ गोल्ड सोप में, गेट नंबर 2। ये मैं आपको दिखाता हूँ दुबई की सबसे बड़ी जो है गोल्ड की मार्केट गोल्ड सोप। अब यहाँ पे जो है ना हमारा टारगेट, हमने चल के तलाश करना है भाई वो रिंग जो मैं आपको बताता हुआ आ रहा हूँ, जिसके लिए आज मैंने इतनी ट्रैवलिंग की है, जिसके लिए मैं निकला हूँ तैयारी करके, वो रिंग जो है वो कहाँ पर है उसको हमने जो है वो तलाश करना है देखना है, जिसका वेट जो है ना वो है 63 kg। वैसे तो गोल्ड की यहाँ पे बहुत बहुत चीज़ें जो है ये पड़ी हैं, ये देखें यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बहुत अच्छी चीज़ें गोल्ड की। ये पूरी अंदर जो है शॉप ये गोल्ड की है, और ये यहाँ पर जो है यार इस मार्केट में तो पानी बहुत ज़्यादा आया हुआ था, ये जो बड़े बड़े जो है जेवरात ये ऊँचे पड़े थे बच गए, इनको नहीं लेके गया पानी, क्योंकि गोल्ड सोख के अंदर जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी था, 2-2, 3-3 फीट तक जो है यहाँ पे पानी था। ये जहाँ पे लोग बैठे हुए ये बेंच पूरे जो है ये पानी के अंदर डूबे हुए थे, बहुत हशर नशर हुआ हुआ था भाई जी। तो आप देखें वही रौनकें बहाल हो गई हैं, नीट एंड क्लीन दुबई क्विक रिस्पॉन्स फोर्स ने ना यूँ काम किया भाई। ये यहाँ पर पानी था, इन टेबल्स के ऊपर तक जो है ये पानी चढ़ा हुआ है। ये क्या आ गया, ओए यार इतने हैवी ड्रेसेस गोल्ड के कैसे पहनते होंगे लोग, इतने हैवी हैवी ड्रेस गोल्ड के गाइस। और ये देखें यार ये संगल कौन पहनता होगा इतना बड़ा, ये तो ऊंट को ही पहनाया जा सकता है। हाँ गाइस देखें ये कौन पहनेगा इतना बड़ा संगल गोल्ड का,
और ये वाला ड्रेस आप चेक करें, बहुत हैवी ड्रेसेस हैं, बहुत हैवी ज़्यादा। ये शॉप के अंदर जो है मैं आपको दिखाता हूँ, इधर पूरी अंदर शॉपिंग जो है वो हो रही है। ये बाहर ये मॉडल के तौर पे लगे हुए हैं, ये सारे ड्रेस जो है बहुत हैवी हैवी हैं गोल्ड के भाई। और लेकिन अभी मैं चलता हूँ सीधा आपको लेके भाई वहाँ पे, क्योंकि हमारा मुद्दा आज का भाई वहाँ पर पहुँचना है। ये भी देखें गाइस, ये चेक करें वहाँ पर जहाँ पर, ओए ये देखें कितने यार ज़्यादा हैवी हैवी ड्रेस हैं गोल्ड के। ये क्या बड़ा हुआ है, ये गोल्ड का क्या बना हुआ भाई, कमाल ज़बरदस्त भाई, गोल्ड सोप। मुझे तो ऐसा लगता है, ओए ये देखें गाइस ये क्या, ये गोल्ड है, ये 100% गोल्ड है। आप ऐसा नहीं समझें कि ये आर्टिफिशियल जो है ये बना के रखे हुए हैं, ये कोई चीज़ आर्टिफिशियल नहीं है, ये 22-24 कैरेट गोल्ड के जो है ये सारे आइटम है भाई। भाई साहब ये देखें, ये चिपकू को, ये सारे 22-24 कैरेट जो है ये गोल्ड ही है। लोग तो पिक्चर्स तक बनवाते हैं भाई गोल्ड के जो है आइटम के साथ आके यहाँ पे, क्योंकि ऐसी और चीज़ें गोल्ड की जो है वो पूरी दुनिया में नहीं मिलती हैं, कहीं पे भी नहीं मिलती हैं। लोग अपने टूर्स को यादगार बनाते हैं यहाँ दुबई आके, इस गोल्ड के साथ पिक्चर्स ले लेके जो है वो जाते हैं। अभी मैं आगे बढ़ता हूँ और सीधा चल के आपको जो है वो मिलता हूँ। चलो यार गपशप जो है वो लगाते जाते हैं, गपशप लगाते लगाते हम चलते हैं, क्योंकि मैं अभी पहुँचने ही वाला हूँ। मार्केट का मंज़र आपको दिखाता जाता हूँ, मार्केट की चहल पहल आपको दिखाता हूँ, गोल्ड की शॉपिंग हो रही है, शेस माहौल तो बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है भाई। अभी मैं दो नंबर गेट से जो है वो मेरी एंट्री हुई है, और एक नंबर गेट के ऊपर जो है वो गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड रिंग। फाइनली गाइस तो मैं पहुंच आया हूं भाई 63 kg गोल्ड की जो रिंग है उसके पास, और मैं आपको दिखाता हूं यहां पे लोग फ़ोटो सेशन और ये चीज़ें करते हो। ये सामने देखें जी आप, ये है वो रिंग गाइस जिसका वेट है 63 kg, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। और ये है स्पेशल गोल्ड सोप का, यहाँ पे जो है ना ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ये मैं आपको दिखाता हूँ इसका यहाँ पे, ये देखें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है जी सर्टिफिकेट, और द वर्ल्ड हैवीएस्ट गोल्ड रिंग, ठीक है। और इसका वेट जो है ना वो है 58, और इसमें टोटल जो वेट है इसका वेट 63 जो है वो आप देख सकते हैं ये वाली। तो ये है जी वो रिंग जिसका हमें जो है बहुत ज़्यादा क्रेज़ था कि हम क्यों नहीं देख पा रहे वो रिंग भाई दुबई में किस जगह जो है वो मौजूद है। पब्लिक यहाँ पे आके फ़ोटो सेशन कर रही होती है, यहाँ पे आ रहे होते हैं लोग, देखें यहाँ पे तस्वीरें बन रही हैं इस रिंग के साथ। ये सामने जो है रिंग उन्होंने रखी हुई है, और ये है जी शॉप। ये आप गोल्ड शॉप में आएंगे तो एक नंबर गेट से अगर आप एंट्री करते हैं बर दुबई से कश्ती में बैठ के आते हैं, तो ये आ रहा है रोड सीधा बर दुबई से। अगर आप आएँगे, अगर आप बनियास वगैरह की तरफ से आते हैं तो आपकी एंट्री होगी दो नंबर गेट पे, और सामने ही आपको जो है वो मिल जाएगी ये रिंग जिसका वेट जो है 63 kg। रश इतना लगा हुआ है ना कि आप तसल्ली से जो है वो वीडियो नहीं बना सकते कि आपको ऐसा टाइम मिले कि रिंग जो है उसके साथ आप हो जाएं। लोग आते रहते हैं, अभी ये फैमिली थी ये पिक्चर्स बना रहे थे, ये बच्चे हंस रहे हैं माशाल्लाह, अभी ये बच्चे और ये फैमिली आ गई है, तो यहाँ पे कोई ना भाई वो आता रहता है, और ये सिलसिला जो है ना ऐसे ही चलता रहता है, क्योंकि ये बहुत स्पेशल है। ये स्पेशल जो है ये 63 kg की जो है रिंग। अभी देखिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अभी मुझे पिक्चर्स बनाने के लिए ना यहाँ पे पता नहीं कितना वेट जो है वो करना पड़ सकता है। लोग लाइन में लगे हुए हैं अपनी अपनी बारी का जो है वो वेट कर रहे हैं। अभी वो फैमिली बना रही थी, ये भाई साहब जो है ये खड़े हैं, ये और भाई साहब आ गए हैं, वो भाई साहब वहाँ पे चले गए हैं। तो भाई रिंग के साथ पिक्चर्स लेने के लिए जो है ना लोगों को क्रेज़ है कि हम भी दिखाएँ कि भाई 63 kg गोल्ड की जो रिंग है उसके साथ हमारी तस्वीर। मैं इस टाइम ना गोल्ड सोक के जो है सेंटर पॉइंट पे आप समझ लें जो है इस टाइम खड़ा हूँ। मेरे सामने एक बाज़ार है, एक राइट के ऊपर है एक लेफ़्ट के ऊपर है, और रौनक तो भाई बहुत ज़्यादा है। अभी शाम में मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये इस तरह पूरी जो है गोल्ड की मार्केट है। मेरे जो है इधर लेफ़्ट के ऊपर जो है ये भी मार्केट है पूरी, और इस तरफ जो है राइट के ऊपर गोल्ड सोक में जितनी चीज़ें रेनोवेट की हैं या पिलर हैं या सारी चीज़ें जो है ना वो भी उन्होंने लाइक दैट जैसे मतलब गोल्ड प्लेटेड। ये देखें ये पिलर हैं तो ये गोल्ड की तरह, यहाँ पे ये डिज़ाइनिंग है तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें ये भी बिल्कुल गोल्ड वाली, ये 100% प्योर गोल्ड नहीं है ऐसा,
ऐसा गोल्ड भले दुबई है, इधर कोई नहीं छोड़ेगा ये, लेकिन मार्केट का को जो डिज़ाइन किया गया है ना वो ऐसा ही है। मतलब जो चीज़ भी यहाँ पे है, अगर कोई टेबल है यहाँ पे, कोई पिलर है, कोई चीज़ बनाई हुई है डिज़ाइनिंग, तो वो ऐसा ही है जैसे मतलब गोल्ड की हो। ये सामने देखें, ये भी मतलब गोल्ड, जिस तरह ये टेबल्स यहाँ पे लगाए हुए हैं, लोग यहाँ पे बैठ के इंजॉय भी करते हैं, लोग आते हैं स्पेशल यहाँ पे घूमने फिरने, और यहाँ पे बैठ के जो है वो अपना चिल माहौल भाई मस्ती करते हैं, यहाँ पे बैठ सकते हैं आप। ये टेबल लगे हुए हैं, लोग 10 बजे के बाद मार्केट से मैं गुजरा हूँ, लोग बैठे होते हैं यहाँ पे, अभी जैसे ये साहब गपशप कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, तो माहौल भाई बहुत ही ज़बरदस्त मिल जाता है। ऊपर देखें आप तो लांटने लगाई हुई हैं भाई, 1937 का माहौल बनाया हुआ है। और अगर जो है ज्वेलरी की बात करें तो वो आपको लेटेस्ट जो है वो लेटेस्ट मिल जाती है। तो ये है जी गोल्ड सोक दुबई का।